बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन की वादा कर रही कि एहे दिन और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होब, तो हम आए गली नवा जानकारी के साथ, मगर जानकारी हमारे बाद में लेब। चलू एखन हमारे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किए जाते हैं कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम। जैविक कृषि कर बढ़ाएं मिट्टी की उर्वरा शक्ति। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के कृषकों को कृषि की नई तकनीकों और अन्य प्रकार के कृषि प्रशिक्षणों के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसे वर्ष भर मशरूम उत्पादन कैसे करें, जल प्रबंधन कैसे करें, बागवानी, सब्जियों की वैज्ञानिक खेती इत्यादि का प्रशिक्षण किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा फसलोत्पादन पाने के लिए हमारे राज्य के ज़्यादातर किसान लंबे समय से अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग करते आए हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिस कारण उपज क्षमता में कमी और कम गुणवत्तापूर्ण फसलें हमें मिलने लगी है। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना ज़रूरी है, जिसके लिए कृषि विशेषज्ञ वर्तमान समय में बर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। रबी के मौसम में चना हमारे झारखंड में प्रमुखता से उपजाई जाती है। जो किसान भाई चना समय पर नहीं लगा पाए हैं और वे चना की बुआई करना चाहते हैं, तो उनके लिए विलंब से बुआई योग्य चना के उन्नत प्रभेद हैं JPG 59 और काबुली चना का प्रभेद है CAG 2। चना के इन प्रभेदों लगाकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। JPG 59 और CAG 2 ये चना के वैसे प्रभेद हैं जिसकी देर से बुआई की जा सकती है। JPG 59 नामक प्रभेद देसी लाल चना की किस्म है, जो कि प्रति हेक्टेयर 18 से 20 क्विंटल उपज देने में सक्षम है। वहीं CAG 2 नामक किस्म काबुली चना का प्रभेद है, जो कि प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल उपज दे सकता है। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार जोहार। किसान भाई बहन मन,
कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के, हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीन स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवा कर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांच कर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान देश की शान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रोरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी और आज का जो जानकारी है ये बहुत सुंदर है, इकर से रोरमन के प्रेरणा जरूर मिली। तो चलो हम सीधे चला थी रांची जिला कर और मांझी प्रखंड कर उकरीद ग्राम और यहाँ का जो सफल किसान हैं उनका नाम है राम शंकर सिंह। भाई राम शंकर सिंह इसन का काम कर लें,
जी आज इनके देश दुनिया जानत हैं। कहे कर मतलब है कि टपक विधि और मल्चिंग विधि द्वारा खेती करत हैं। भाई सोचू कितना सुंदर बात है के? तो चलो अब सीधे चला थी रामशंकर सिंह जी से, उनसे जानकारी लेवा थी। हमारे राज्य के किसान भी अब कृषि की नई तकनीक से जुड़कर खेती के कार्य को पहले से ज्यादा अच्छा करने लगे हैं। किसानों के मुनाफों को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। इन्हीं में से एक है उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए टपक सिंचाई योजना, जिसका लाभ हमारे झारखंड के किसान भाई भी उठा रहे हैं। झारखंड जैसे पठारी क्षेत्र में किसान बेहतर सिंचाई तकनीक के साथ अच्छी फसल उपजा सके, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस योजना का लाभ लेने वाले ऐसे ही एक किसान है रामशंकर जी। रामशंकर वैसे तो बहुत लंबे समय से खेती कर रहे हैं, लेकिन लगभग एक साल पहले जब से इन्होंने प्रधानमंत्री टपक सिंचाई योजना से जुड़ने का कार्य किया, ये ड्रिप इरीगेशन और मल्चिंग के जरिए आज बेहतर खेती कर रहे हैं। अगर हम अपने राज्य झारखंड की बात करते हैं तो ये पूरा क्षेत्र पठारी क्षेत्र है। यहाँ वर्षा तो अच्छी होती है, लेकिन पठारी क्षेत्र होने के कारण पानी काफ़ी तेज़ी से बह जाता है। ऐसे में खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन समय के साथ साथ कृषि तकनीकी में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है और आज हमारे किसान जो हैं कृषि के नए तकनीक के माध्यम से खेती कर अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के उकरीद गांव में, जहां पे हमारे साथ रामशंकर सिंह नाम के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कृषि करने का कार्य किया है। आइए इनसे जानते हैं कि कब से ड्रिप इरिगेशन का कार्य कर रहे हैं, किस किस चीज़ की खेती कर रहे हैं और इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए इनसे हम जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। अगर हम खेती की बात करें तो पहले भी खेती होती थी, जो किसान जो है सिंचाई करते थे उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी, पानी तो पड़ती थी लेकिन पानी बहकर निकल जाता था। लेकिन जो आप टपक सिंचाई के माध्यम से खेती कर रहे हैं, तो टपक सिंचाई है क्या, किसे कहते हैं टपक सिंचाई? टपक सिंचाई एक ऐसा सिंचाई है जिससे आदमी एक विस्तृत रूप से बृहद रूप में बढ़ा के खेती कर सकता है। कहे कि पहले का युग में फलट में लोग करता था, तो फलट में लोग करता था, उसके बाद में हर फसल के बाद जोताई कोड़ाई और निकाई गुड़ाई यही सब करना पड़ता था, उसके चलते बहुत दिक्कत हो जाता था और उसमें आमदनी बहुत कम होता था। कोई गारंटी नहीं है कि आमदनी हो जाना है, ज़्यादातर लॉस ही लॉस था। लेकिन हम लोग को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ड्रिप इरीगेशन का अनुदान में पाइप बिछा, टपक विद्या का कुछ ज्ञान दिलाया गया, उसके माध्यम से खेती करते थे, इसमें अच्छा आमदनी हो जाता है। वर्तमान में 5 एकड़ के भूमि में स्ट्रॉबेरी के साथ ही लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया आदि की भी खेती इसी तकनीक से ये कर रहे हैं, जिसमें इनकी फसल कम पानी में भी बेहतर उत्पादित हो रही है। अगर हम खेती की बात करते हैं, कितना खेत आपके पास अभी है? मोटा मोटी 5 एकड़ के लमसम मेरे पास है। 5 एकड़ में आप खेती करते हैं जी? किस किस चीज़ की खेती आप करते हैं? तरबूज का मेन फसल है, उसके बाद में मटर है, गोभी है, आपका बैंगन है, टमाटर है, स्ट्रॉबेरी का भी अगले बार हमको मिला था ब्लॉक के द्वारा, उसके माध्यम से भी हम किए थे, अच्छा हुआ था। लेकिन लॉकडाउन में थोड़ा मेरा सेलिंग कम हुआ था। इस बार मेरा बिचड़ा अपने से किए थे नेट के द्वारा देख के, लेकिन बिचड़ा मेरा किसी कारण मर गया, बारिश बहुत ज़्यादा के कारण, जिसके कारण हम थोड़ा सा कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से आप जो है सब्जी की खेती करते हैं जी, स्ट्रॉबेरी की खेती जी करते हैं। अगर हम स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करते हैं तो झारखंड के स्ट्रॉबेरी की खेती जो है एकदम नई है, यहाँ पे काफ़ी कम किसान लोग जो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरीके से की जाती है और किन किन बातों का सावधानी बरतना इसके ज़रूरी है? स्ट्रॉबेरी का खेती करने के लिए देखिए, हम तो नया है समझिए, पर साल हम किए थे इसको लमसम, इसका रूट निकलता है सितंबर के पास में, उस समय हम जो है सो नहीं रूट को ट्रांसफ़र कर पाए, जिसके कारण हमको उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन ये उपज के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है, अगर हाँ उपज के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरी झारखंड के लिए, झारखंड के लिए बहुत लाभदायक, किसान करते हैं जी, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता जी है। ये तो आपने खेती के बारे में बताया कि आप सब्जी की मुख्य रूप से खेती करते हैं, खेती का तरीका क्या है, आप जैविक तरीके से करते हैं? हाँ, जैविक तरीका से करते हैं। तो जैविक खेती किसे कहते हैं, इससे किसानों को क्या लाभ होता है? जैविक खेती से रासायनिक हम लोग खाद डालते ही नहीं इसमें, है ना, गोबर का मात्रा सबसे ज़्यादा डालते हैं, उसके बाद केचुआ खाद डालते हैं, नीम खल्ले डालते हैं और सड़ा हुआ गोबर, यही सब डाल के अपना खेती करते हैं, जमीन और दवा भी अपने आप बनाते हैं हम लोग। रामशंकर अपनी खेती में जैविक विधि का इस्तेमाल करते हैं।
ताकि अच्छा लाभ प्राप्त हो। ये खुद से जैविक खाद को बनाते हैं और खेतों में इस्तेमाल में लाते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से एक तरफ जहां फसल पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। अगर हम जैविक खेती की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, तो जमीन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है? उत्पादन में थोड़ा बहुत असर पड़ता है, चूंकि इसलिए कि पहले हम लोग तो रासायनिक खेती कर रहे थे और तुरंत जो हम लोग परिवर्तन कर दिए कि हम लोग को जैविक खेती करना है, क्योंकि मिट्टी को बचाना है और नहीं तो भविष्य हम लोग का भी चौपट हो जाएगा। इस चलते हम लोग जैविक खेती की ओर झुकाव लिए हैं और आशा करते हैं कि हम लोग धीरे धीरे फायदे में रहेंगे। केचुआ खाद की बात कर रहे हैं, तो केचुआ खाद किस तरीके से बनाते हैं? केचुआ खाद तो देखिए, केचुआ का बेड मिला हमको ब्लॉक के द्वारा, हालांकि हम लोग शेड बनाएंगे उसके लिए। अभी तो बेड मिला है, देखिए दो ठो है, एक ठो यहाँ पर है, एक ठो आगे है। उसमें सबसे पहले हरा पत्ती, जैसे हम लोग खर पतवार जो भी खेत से निकलता है, जैसे मटर का हरा चारा हो गया या गोभी का पत्ता हो गया, उस सबको डाल देते हैं। फिर खाद डाल गोबर डालते हैं, फिर इस तरह से तीन लेयर हम लोग हरा चारा और गोबर डाल के उसको बनाते हैं। उसके बाद केचुआ का दाना छोड़ते हैं हम लोग। तकनीक और जानकारी कैसे मिली आपको? ये तो ब्लॉक के द्वारा पता चला हम लोग को, है ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, वहाँ से जो भी कृषि काम का आते हैं उससे देख के, और टीवी के माध्यम से, बहुत नेट के माध्यम से, उस आधार से हम लोग खेती कर रहे हैं, उसी से चलते आ रहे हैं। इसमें कुछ मोटा मोटी आमदनी ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो है प्रखंड कार्यालय से आपका सीधा जुड़ाव है, जुड़ाव के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से भी आप मतलब तकनीक को, नए तकनीक को आप सीख रहे हैं। अगर हम मल्चिंग की बात करते हैं, तो आपका पूरा खेत जो है पूरा मल्चिंग से भरा पड़ा दिखाई दे रहा है और इसमें टपक सिंचाई की भी पाइप पूरा बिछी हुई है, तो मल्चिंग से क्या फ़ायदा होता है? मल्चिंग से फ़ायदा ये होती है कि साल में एक ही बार ये जुताई कुड़ाई करके खाद जितना डालना है डाला जाता है। उसके बाद में मल्चिंग कर देने से यहाँ पर खर पतवार का बहुत कम मात्रा होता है, उससे हम लोग को बचत है। और साल में एक ही बार हम लोग जुताई कुड़ाई करके उसको मेड़ बनाते हैं, और मेड़ बनाने के बाद में इसको मल्चिंग से ढक देते हैं, पौधा छेदा करके लगा देते हैं, और उससे जो है सो हम लोग को आसानी से पौधा सही रूप से तैयार हो जाता है। और यहाँ पर नमी का एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है मल्चिंग के माध्यम से। एक तरफ जहां सही मात्रा में पानी फसलों तक पहुंचता है, वहीं मेहनत भी कम होती है और ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी की बर्बादी भी कम होती है। साथ ही साथ अनचाहे घास फूस से भी राहत मिलती है, ताकि किसानों का खर्चा बचता है। जब प्रधानमंत्री टपक सिंचाई योजना से इनको जोड़ा गया, तो ये अब ये पूरे पानी को साल भर में यूज़ भी कर रहे हैं, उसी पानी से नहा भी रहे हैं, उसे पी भी रहे हैं और उससे पूरा खेती कर रहे हैं। और ये पहले एक दो क्रॉप करते थे, आज ये मल्टीपल थ्री क्रॉप ले रहे हैं, तीन वही पानी से, जो पानी इनको खेती से नहीं बचा था। तो इस योजना का लाभ किसानों को इसीलिए हितकारी हुआ, क्योंकि हमारे झारखंड में जो देखा जाए नुमान, यहाँ पे पानी की कमी है। क्योंकि यहाँ के किसान क्या है कि जब बरसात का क्रॉप है वो ले लेते हैं, और बरसात के बाद जो आलू है, आलू लगा करके उस समय मटर वटर लगा करके लेते हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है, फरवरी के बाद यहाँ का पानी का स्तर जो बहुत कम हो जाता है, फिर वो बीच का जो स्थान है फरवरी टू जून, फिर जब हम जून तक पूरा प्लॉट खाली रहता है, जैसे कि यहाँ पे मनमन देखा जाता है झारखंड में, वैसे एरिया में यहाँ पे हजारों हजारों एकड़ ज़मीन खाली रहती है। तो उसमें जब ये योजना आई, प्रधानमंत्री कृषि टपक सिंचाई योजना, जो कम पानी होने के कारण सिर्फ दो ही फसल ले पाते थे, आज पानी ये इस योजना का लाभ लेकर के हमारे किसान जितने भी और मांझी प्रखंड के किसान हैं, वो सभी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से तीनों क्रॉप का फसल का ले रहे हैं। आज के तिथि में किसानों को सिंचाई की सुविधा उनके खेतों तक मिल जाए तो वो पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं, ये उनमें इतनी ताकत है। और हमारे यहाँ और मांझी में ऐसे 70-75 प्रगतिशील किसान हैं जो प्रधानमंत्री टपक सिंचाई योजना का लाभ ले रहे हैं और उत्कृष्ट किसान की श्रेणी में। उसी में हमारे रामशंकर सिंह जी हैं, जमीन में अपनी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, साथ ही साथ अभी तरबूज की खेती कर रहे हैं और सीजनल जो सब्जियाँ होती है उसका उत्पादन करते हैं। तो किसान भाई बहन, चलो हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती दूसर जानकारी की ओर। दूसरा जानकारी है, ये तो और भी बेस है, बहुत सुंदर है, कर ले सब किसान भाई बहन में जाने के चाहिए। ये जानकारी जो है, मृदा जांच कर फायदा, कहे का मतलब माटी जांच कर महत्व, ये तो हर किसान भाई बहन मन के जाने के चाहिए। आके जानने बगैर खेती करने से नुकसान होगा। मकिन माटी जांच कर फायदा अगर जान गई तो खेती बारे में रोने के कहियो नुकसान नहीं हुई, फायदा ही फायदा हुई। तो किसान भाई बहन मन, तो चलो हमरे सीधे चले थी दिव्यायन, और हुआ जो डॉक्टर साहब हैं उनका नाम है अजीत कुमार सिंह। दिव्यायन
कृषि विज्ञान केंद्र गेतल सूत यहाँ चले कोई तो चलो को सीधे चला थी डॉक्टर साहब से जानकारी ले लो थी है नहीं। आज हम रामकृष्ण दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र गेतल सूद अनगढ़ा में मौजूद हैं और हमारे साथ है यहाँ के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मृदा स्वास्थ्य जांच का महत्व किसान भाइयों के लिए किस प्रकार से है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य जांच क्यों जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य जांच ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और जहाँ तक क्यों जरूरी है तो ज़रूरी इस आप सब इस स्थिति में देख सकते हैं कि मृदा जांच यदि कराते हैं तो हमारे मिट्टी की भौतिक रासायनिक और जैविक तीनों स्थिति में सुधार होता है। मृदा जांच कराने पे हमको मालूम हो जाता है कि हमारे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है या किन किन पोषक तत्वों की अधिकता है, तो उसके अनुसार जिस फसल को लेनी है तो हमको मालूम हो जाता है कि इन यदि हमको मिट्टी में जांच कराया पता चल गया कि नत्रजन की कमी है और नत्रजन की कमी है तो क्वांटिफाई भी हो जाता है वो 25 किलो कमी है कि 50 केजी कमी है या स्फूर की कितनी कमी या पोटेशियम की कमी कितनी कमी है। तो जांच करने के बाद जब हमारे मिट्टी में पता चल जाता है कि इन इन पोषक तत्वों की कमी है और कौन सी फसल लेना है उसकी भी क्षमता पहले से मालूम होता है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसके अनुसार ही हम फिर पोषक तत्वों को हम प्रदान करते हैं जिससे कि हमारा उत्पादन उत्पादकता तो बढ़ता ही बढ़ता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मिट्टी जांच करा के का सबसे अच्छा महत्व तो ये है कि मिट्टी की भौतिक स्थिति रासायनिक स्थिति और जैविक स्थिति तीन स्थितियां जो मृदा की होती हैं तीनों स्थितियां भी सुधरती हैं, हमारा उत्पादन उत्पादकता भी बढ़ता है और इनपुट कॉस्ट जो लागत है वो भी कम होती है। मृदा जाँच जब हमारे किसान भाई करा लेते हैं तो इससे फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फसलों पर प्रभाव यदि मृदा जांच कराते हैं तो फसलों पर सीधा इसका ये प्रभाव इसके उत्पादन और उत्पादकता पे ही पड़ती है। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए जिंक की कमी है और धान की खेत है, तो यदि जिंक की कमी है तो यदि जिंक का हम ऊपर से हम बाहर से सप्लाई नहीं करते हैं तो जिंक की डिफिशियंसी से खैरा बीमारी हो जाती है जिससे कि हमारा पूरा का पूरा फसल ही बर्बाद हो जाती है। या गोभी का ही एक उदाहरण लीजिए कि बहुत हमारे झारखंड में देखिए बोरान की बहुत कमी होती है, यदि हम बोरान के फूल गोभी की खेती करते हैं तो उसमें ऊपर देखिए भूरा कलर का आ जाता है और तना सड़ने जैसा होता है और उसमें यदि अज्ञानता के कारण लोग सोचते हैं कोई बीमारी है जबकि कमी है बोरान की कमी है। यदि बोरान का हम समय पर सप्लाई स्प्रे कर देते हैं एप्लीकेशन कर देते हैं तो हमारा गोभी भी अच्छी हो जाती है, गोभी की क्वालिटी भी अच्छा हो जाता है और हमारा उत्पादन उत्पादकता भी बढ़ जाती है। तो अगर मान ली हमारे किसान भाई इस तरह से जांच करा लेते हैं तो जैसा कि आपने बताया कि तीन अवस्थाओं में परिवर्तन आता है तो वो जो परिवर्तन आ रहा है या जो उसके जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उससे किसान भाइयों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा। देखिए सभी हमारा तो अनुरोध है कि जितने भी कृषक भाई हैं उन सभी को अपनी मिट्टी का जाँच जरूर ही कराना चाहिए। जैसा कि भारत सरकार भी काफ़ी इस मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, सबको सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। अभी शुरुआती स्थिति में ग्रिड बेसिस पे सैंपल लेके उसका एनालिसिस करके सॉइल हेल्थ कार्ड सबको इशू किया जाता है। यदि मिट्टी करा के यदि करते इसमें 12 पोषक तत्वों की जाँच की जाती हैं तो यदि मिट्टी जाँच यदि किसान भाई कराते हैं तो उनका जो हमारी तीनों अवस्थाएँ भौतिक रासायनिक और जैविक अवस्था है तीनों अवस्था की जहाँ तक बात किए हैं तो जांच कराने के बाद यदि हम उर्वरक का प्रबंधन करते हैं या फिर जैविक खाद हो या जीवाणु खाद है जिनका भी समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जिसे कहते हैं उनका हम यदि व्यवहार करते हैं तो हमारी तीनों अवस्थाएं अच्छी होंगी। मान लीजिए हमने बगैर जांच के यदि नत्रजन के लिए जनरली किसान भाई यूरिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं उससे सिर्फ हमारी मिट्टी ही नहीं खराब, मिट्टी की तीनों अवस्था करते थे अम्लता बढ़ती है तो जीवाणुओं की जो अच्छे जीवाणु जो लाभकारी जीवाणु हैं उनकी संख्या कम होती है, जीवाणु डायरेक्टली हमारे जो भी पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता को सुधारते हैं। इसी तरह मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा कम होती है तो मिट्टी थोड़ी जैसे कड़ी होती है तो पानी रोकने की क्षमता उसमें कमी होती है जिससे कि हमारा उत्पादन उत्पादकता बढ़ती है, तो तीनों अवस्था को वो प्रभावित करता है। यदि मिट्टी जाँच करा के करते हैं तो तीनों अवस्था हमारी दिनों दिन सुधरती ही जाती है। अच्छा एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई अगर अपने खेतों की मिट्टी जाँच कराना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से कराएंगे। मिट्टी जांच के लिए किसान भाई से कहीं पे भी जो जिला में सभी जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, झारखंड के जहां तक बात है वहां 24 जिले हैं, 24ों में कृषि विज्ञान केंद्र वहां पे मिट्टी जांच अपना नमूना जमा करके वो मिट्टी जांच करा सकते हैं, कोई भी इसका शुल्क नहीं है। एक हमारे प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय वहाँ पर जाँच करा सकते हैं।
झारखंड सरकार ने बहुत सारे अपना लेबोरेटरी भी डेवलप किया हर ज़िला में, वहाँ पे जांच करा सकते हैं। और किसान भाई जो भी ब्लॉक में प्रखंड तकनीकी प्रबंधन होते हैं, BTM कहते हैं, या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उन लोगों से संपर्क करके वहाँ पे सैंपल दे के और वो अपनी जांच करा सकते हैं। अपने किसान भाई अपने जो खेतों की जो सैंपल जो नमूना लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि नमूना यदि सही रहेगा तभी जांच भी सही होगी। यदि नमूना अच्छे से हम नहीं लेते हैं तो जांच भी प्रभावित होती है। तो नमूना लेने के लिए किसान भाई बहुत ही सिंपल तरीका है कि जैसे मान लीजिए कोई खेत है, उसकी मेड़ से चारों तरफ हम छोड़ के लेते हैं, मेड़ के पास का नमूना नहीं लेते हैं, और जिग जैग आकार में जहाँ तहाँ से कम 10 जगह से नमूना लेना चाहिए। भी आकार का गड्ढा होना चाहिए, जब हम कुदाली से लेते हैं तो भी आकार का गड्ढा बन जाता है, जो मिट्टी है वो मिट्टी को फेंक देते हैं, और 6 इंच जो 6 इंच की मिट्टी होती है उनको ही लेना, ऊपर से नीचे तक 1 इंच पूरा परत दोनों तरफ से निकालेंगे तो 10 जगह से लेंगे तो करीब 1 किलो मिट्टी हो जाएंगी। और उस मिट्टी को नमूना को लेके पैकेट में रख के और जितना इन्फॉर्मेशन है अपना नाम गाँव ये सब चीज़ें तो है वो तो देनी ही होती है, साथ में ये भी देना है कि कौन सी फसल ली गई थी मिट्टी, मतलब जब नमूना लिया गया तो उसके पहले कौन सी फसल ली गई थी और नमूना लेने के बाद कौन सी फसल ली जानी है, ली गई फसल का नाम, ली जाने वाली फसल का नाम, और एक चीज़ और उसमें अंकित करेंगे कि वो सिंचित है कि असिंचित है। तो बताओ आज करी दुई जानकारी किसान लागल भाई बढ़िया है नहीं बेस है नहीं। देखो कहे कर मतलब है किसान भाई बहन मन कि ईसन जानकारी को रोटीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या जरूर लिखा भी के भूलक नखे लिखू। पिन कोड संख्या है 834001। अब देखो किसान भाई बहन मन देखो बात रौरे का और बता के है कि जो रौरे मन के जो पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन अगर छूट गलत तो परेशानी कर कोई बात नखे। रौरे मन यूट्यूब में फेसबुक में ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के फिर से पाए सकीला। तो आज रौरे मन इजाजत दो मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हुआ, तब तक इजाजत दो। नमस्कार जय। हम जो की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।